स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों बहुत से बच्चे जो 2024 में पास आउट हुए हैं, उसके अलावा कई बच्चे हैं जिनके कंपार्टमेंट भी आ गई है, और कई बच्चे हैं जो जेई वगैरह देना चाहते हैं तो इम्प्रूवमेंट भी करवाना चाहते हैं। तो बेटा आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या वो चीज़ें हैं जो आप छोड़ देते हो उसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हो 95 और आ जाता है 75, ऐसा भी कई बच्चों के साथ होता है। और कुछ बच्चे लिख के आते हैं 75 का, ले आते हैं 85। तो क्या वो चीज़ है जो आप मिस करते हो, यहाँ पर हम पॉइंट वाइज देखने वाले हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले बेटा, पेपर प्रेजेंटेशन जो होता है ना, वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, वो आपको आना चाहिए। पेपर प्रेजेंट करना, जितने की वर्ड्स होते हैं आपके आंसर बुक में, यू नीड टू हाईलाइट देम। फिर हम वर्ड लिमिट का ख्याल रखते हैं बेटा। अगर 150 वर्ड्स में सपोज कोई आंसर लिखना है तो आपका रेंज जो है वो 140 से 160 के बीच में होना चाहिए। एकदम 30 वर्ड्स नहीं होना चाहिए और इवन इधर 500 वर्ड्स नहीं होना चाहिए। तो वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। आंसर जो हम लिखते हैं वो हमें हमेशा सीबीएसई में पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करनी चाहिए। कई बच्चे जानते बूझते भी पैराग्राफ लिख के चले जाते हैं। बेटा पॉइंट लिख के दोगे तो टीचर को क्लैरिटी होगी कि आपने 5 नंबर में 5 पॉइंट लिखे हैं, 3 नंबर में 3 पॉइंट लिखे हैं। आप पैराग्राफ लिखते हो तो इट बिकम्स लिटिल अनोइंग। तो हमेशा पॉइंट वाइज लिखना है, और उसमें भी कीवर्ड्स हाईलाइट करनी है। आपको मैं आंसर बुक दिखाती हूँ किसी टॉपर की, जिसने किस तरीके से फुल मार्क्स स्कोर किया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। इवन इफ यू डोंट नो द क्वेश्चन आंसर, तो भी आप अटेम्प्ट लीजिए एंड ट्राई टू राइट समथिंग रेलेवेंट, ताकि टीचर आपको स्टेप्स के नंबर या अटेम्प्ट के नंबर दे सके। सबसे एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे सेक्शन वाइज नहीं लिखते हैं। हैफजार्ड वे में क्या होता है ना, सेक्शन ए के आंसर में बी का लिख दिया, बी में सी का लिख दिया, क्वेश्चन नंबर गलत लिख दिया, तो इसमें नंबर कट सकते हैं, इजंट इट। अब देखो इस बच्चे के क्वेश्चन आंसर शीट को, जहां जहां जैसे यहाँ पर कोई डेफिनेशन है या कोई कीवर्ड है तो सी इट इज हाईलाइटेड, अंडरलाइन किया हुआ है। देखो आपको जहां कहीं भी दिखेगा इट इज अंडरलाइन। यहाँ पे देखो, यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। स्टूडेंट हैज रिटन इन अ टेबुलर फॉर्म, और वो देखो किस तरीके से पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। आप भी अगर एग्जामिनर होगे तो देख करके फुल मार्क्स दोगे। और इसमें एक और चीज देखो, जहां जहां कोई कीवर्ड है, जैसे आपको मान लो कि समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या कीवर्ड है, थोड़े से ज्यादा में ही लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, सबको अंडरलाइन किया हुआ है। सॉल्वेटेड, तो जहां जहां आपको लगता है कि टेक्निकल टर्म्स है किसी भी सब्जेक्ट में को अंडरलाइन कर दो। देन हाईलाइट करना बहुत जरूरी होता है, पॉइंट वाइज नीट एंड क्लीन। देखो कितना नीट एंड क्लीन पेपर है, सेक्शन वाइज लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजों को फॉलो करोगे तो अच्छे नंबर आप लाओगे। नाउ बच्चों, आप सबके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, अभी मैं आपको बता दूं कि क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा फॉर क्लास 10th साइंस, क्लास 12th केमिस्ट्री। 1 मंथ क्रैश कोर्स होगा, जिसमें आपको बेटा इंटायर जो आपका सिलेबस है वो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से कराया जाएगा। सबसे पहले आपको स्टडी प्लान दिया जाएगा, जूम पे क्लासेस होगी तो टू वे कम्युनिकेशन होगा, लाइव क्लासेस होंगी एंड देयर विल बी रिकॉर्डिंग आल्सो। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे, आपको एनसीईआरटी समझाई तो जाएगी, प्लस आपको नोट्स मिलेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। जितने कंटेंट है वो सारे मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल डालो। बहुत से बच्चों के व्हाट्सएप मैसेजेस मुझे आ चुके हैं, अभी मैंने रिप्लाई नहीं किया, आपको मैं जल्द रिप्लाई दूंगी। मैंने सारे मैसेजेस रिसीव कर लिए हैं, आई हैव गॉट एन नंबर ऑफ मैसेजेस, सबको रिप्लाई मिलेगा, अभी मिला नहीं है। 1 मंथ क्रैश कोर्स इज इनफ, अगर आप पढ़े आप ज्वाइन कर लो, अभी से आपको कॉन्टेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होगी। तो आई विल लेट यू नो, जिन जिन बच्चों के मेल्स आ चुके हैं, मैसेज आ चुके हैं व्हाट्सएप पे भी या एसएमएस के थ्रू भी, उनको मैंने रिप्लाई अभी दिया नहीं है, आई विल गिव इट। तो एटलीस्ट 3 क्लासेस अ वीक तो बेटा होंगी ही, लेकिन हम नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा भी देते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। कई बार बच्चों को जैसे एक शॉर्ट वीडियो में समझ में नहीं आया, मतलब 1 घंटे में अगर मैंने समझाने की कोशिश की, वो चैप्टर समझ नहीं आया, तो आपको मैं डिटेल्ड में आराम से समझाऊंगी, न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, एवरीथिंग विल बी देयर। और ट्रस्ट मी, बहुत से बच्चे अच्छा स्कोर करके ला चुके हैं, तो अगर आप पढ़ोगे तो आप भी फुल स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो डोंट वरी, जिन जिन बच्चों को इंटरेस्ट है केमिस्ट्री 12th और क्लास 10 साइंस, जस्ट कॉन्टैक्ट मी एट दिस ईमेल आईडी और एट दिस नंबर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।